तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल दी ब्राइट में स्वागत है। और आज हम अरुणाचल से रिलेटेड एमसीक्यू लेके आए जो एपीएससी एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आपको मालूम होना है कि एपीएससी भी एग्ज़ाम में अरुणाचल से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 7 to 10 क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन, विच हाई कोर्ट हैज ज्यूरिसडिक्शन ओवर अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश जो कौन सा हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में आता है, तो आपको मालूम होना ये है गुवाहाटी हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर सी गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो आप वीडियो को पॉज करके आप जो वो कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट। और आपको ये भी मालूम होना है कि अरुणाचल का साथ साथ नागालैंड और मिजोरम, ये दोनों स्टेट भी गुवाहाटी हाई कोर्ट ज्यूरिडिक्शन के अंदर में आते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाईएस्ट रैंकिंग पुलिस ऑफिशियल इन अरुणाचल प्रदेश, आप गेस कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इंस्पेक्टर जनरल, डी डायरेक्टर जनरल, सी मेजर जनरल और डी गवर्नर जनरल। तो इसका सही आंसर होगा डायरेक्टर जनरल। और जो करंट डीजीपी है वो उसका नाम है श्री आरपी उपाध्याय जी, ये जो करंट डीजीपी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन अनरिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी इन अरुणाचल प्रदेश? ये ऑप्शन में से कौन सा है जो अनरिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है इन अरुणाचल प्रदेश में? तो ऑप्शन नंबर ए पासीघाट, ऑप्शन नंबर बी तेजू, सी दियुम बोरदुमसा, डी बोमडिला। तो आप गेस कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दियुम बोरदुमसा। और आपको मालूम होना है कि ये जो दियुम बोरदुमसा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो ये जो चांगलांग में पड़ते हैं, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में। तो ये था ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 को। तो अब क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? तो अरुणाचल प्रदेश का स्टेट फ्लावर को आपको बताना है। तो इसको तो आई थिंक ज़्यादातर मालूम होना चाहिए, तो आप ट्राई कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए रोज, बी जैस्मिन, सी लोटस, डी पॉक्सटेल ऑर्किड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पॉक्सटेल ऑर्किड, आपको याद रखना है। तो ये था ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, साइंटिफिक नेम ऑफ मिथुन इस, तो इसको भी ज़्यादातर मालूम होना चाहिए मिथुन का जो साइंटिफिक नेम पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बॉस इंडिका, ऑप्शन नंबर बी बॉस मिथुन, ऑप्शन नंबर सी बॉस प्रोटालिस, सी और डी बॉस अरुणाचली। तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बॉस प्रोटालिस। और आपको मालूम होना है ये जो मिथुन, इसको घायल नाम से भी जाना जाता है, घायल बोल के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, विच क्लाइमेट जोन इज नॉट फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश? तो ये ऑप्शन में से कौन सा क्लाइमेट जोन है जो कि अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाए जाते, आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए एरिड, ऑप्शन नंबर बी सब ट्रॉपिकल, ऑप्शन नंबर सी टेम्परेट, ऑप्शन नंबर डी एल्फाइन। तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है एरिड, आपको जो एरिड क्लाइमेट जोन जो अरुणाचल में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7, दी ईरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड नियर, तो ये दी ईरिंग कहाँ पे पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए बोमडिला,
ऑप्शन नंबर बी पासीघाट, ऑप्शन नंबर सी तेजू, ऑप्शन नंबर डी कौन सा। तो आप गेस कर सकते हैं ये जो कौन सा था उनका सामने में पड़ता है। तो इसका सही आंसर है पासीघाट, डी रिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो ईस्ट में पड़ते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगपान दादा मेमोरियल ट्रॉफी इज रिलेटेड टू। ये जो हंगपान दादा मेमोरियल ट्रॉफी है ये कौन सा टूर्नामेंट, कौन सा स्पोर्ट से रिलेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी कराते, ऑप्शन नंबर सी वुशु, ऑप्शन नंबर डी हॉकी। तो आप बताइएगा। तो इसका सही आंसर है फुटबॉल, हांगपान दादा मेमोरियल ट्रॉफी ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट से रिलेट करते हैं। तो आपको मालूम होना है कि हांगपान दादा जो कि एक आर्मी पर्सनल था जो आसाम रेजिमेंट वहाँ पे तैनात था और ये कंट्री के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस किए और जिसके लिए इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अशोक चक्र भी दिया गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, समर रेन्स इन अरुणाचल प्रदेश आर मोस्टली ड्यू टू। तो अरुणाचल प्रदेश में जून जुलाई अगस्त में जो समर रेन्स पड़ता है वो किस मानसून का वजह से पड़ता है। तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए नॉर्थ वेस्ट मानसून, ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ ईस्ट मानसून, ऑप्शन नंबर सी साउथ ईस्ट मानसून, ऑप्शन नंबर डी साउथ वेस्ट मानसून। तो इसका सही आंसर आप गेस करो। तो इसका सही आंसर होगा साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ चाइना। तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो चाइना से बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो जो जो स्टेट मैप को अच्छा से मालूम हो वो इसको सिंपल से गेस कर सकेगा। तो आप लोग ट्राई करें, तवांग, लोअर सियांग, अपर सुबनसिरी, ओंजो, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो चाइना बॉर्डर से शेयर नहीं करते बॉर्डर। तो इसका सही आंसर है लोअर सियांग, लोअर सियांग। तवांग जो ऊपर साइड पड़ जाते हैं वो तो श्योर करते हैं, फिर अपर सुबनसिरी भी करते हैं और लोअर अंजो भी करते हैं। तो ऑप्शन बच जाते हैं लोअर सियांग। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो स्पीकर ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इज, अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए पी डी सोना, ऑप्शन नंबर बी आलो लिबांग, ऑप्शन नंबर सी लंबो ताइंग, ऑप्शन नंबर डी निनोंग इरिंग। तो इसका सही आंसर होगा, आप गेस कर लो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पी डी सोना, पी डी सोना। इसका पूरा नाम है पासांग दोर्जी सोना और ये जो मेचुका कॉन्स्टिट्यूएंसी वहाँ से वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आलो लिबांग को तो आप मालूम ही होगा, ये हेल्थ एंड मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इनर लाइन परमिट इज इशूड अंडर। तो जो आईएलपी जो अरुणाचल प्रदेश में दिया जाता है कौन सा रेगुलेशन एक्ट के अंदर में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873, ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन 1943, ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन 1965, ऑप्शन नंबर डी आसाम फ्रंटियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस रेगुलेशन 1945। तो आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा सही होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1935।
1873, इसका तहत जो ILP को इशू किया जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 चलिए देखते हैं। द बुद्धिस्ट स्तूपा मॉडल्ड आफ्टर बोडीनाथ स्तूपा ऑफ नेपाल इज सिचुएटेड एट। तो जो बुद्धिस्ट स्तूपा वो जो मॉडल आफ्टर बोडीनाथ स्तूपा ऑफ नेपाल ये जो कहाँ पे पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 चौकम, ऑप्शन नंबर 2 जमितांग, ऑप्शन नंबर 3 तेंगापानी, ऑप्शन नंबर 3 लुमला। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जामिथांग। ये बुद्धिस्ट स्तूपा जो आपको जामिथांग में आपको देखने को मिलेगा और ये थावांग डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे पड़ता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो बुद्धिस्ट स्तूपा इसका नाम है गोरसाम चोरटेन, गोरसाम चोरटेन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ए लार्ज मेमल गोट एंटेलोप पाउंड इन ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश इज कॉल्ड एज। तो एक लार्ज एनिमल मेमल गोट टाइप होते हैं एंटेलोप जो ईस्टर्न अरुणाचल में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ में आपको मिलेगा। तो उसका कौन सा नाम उसको जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए तकिन, ऑप्शन नंबर 2 याक, ऑप्शन नंबर 3 डियर मास्क डियर, ऑप्शन नंबर 3 शेरो। तो आप पहले गेस कर लो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तकिन, तकिन का नाम से उसको पॉपुलरली जाना जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ग्राम सेविक ट्रेनिंग सेंटर GTC कम स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन। तो ग्राम सेविक ट्रेनिंग सेंटर GTC और ये जो स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको कौन सा टाउन में आपको देखने को मिलेगा, ये कौन सा टाउन में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए नाहरलगन, ऑप्शन नंबर 2 जीरो, ऑप्शन नंबर 3 थावांग, ऑप्शन नंबर 3 पासीघाट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पासीघाट। जो जो पासीघाट में JNC में पढ़ चुका है और जो पासीघाट में रह चुका है तो आपको मालूम होगा ये JNC का सामने में जो GTC कॉलोनी होते हैं, जो GTC बोला जाता है, इसी का नाम से बोला जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नामचिक नामपुक कोल फील्ड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो नामचिक नामपुक कोल फील्ड है ये जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए चांगलांग, ऑप्शन नंबर 2 लोंगडिंग, ऑप्शन नंबर 3 नामसाई, ऑप्शन नंबर 3 आंजाओ। तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा आपको डिस्ट्रिक्ट में ये जो मिलेगा कोल फील्ड देखने को नामचिक नामपुक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चांगलांग, ये जो कोल फील्ड पड़ते हैं ये जो चांगलांग में पड़ते हैं। तो ये था ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एज पर द स्टडीज ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट इट इज सेड दैट मालिनीतान टेम्पल वॉज बिल्ट विथ। तो ये जो मालिनीतान टेम्पल जो कौन सा उससे बनाया गया है स्टोन से, तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए मार्बल स्टोन, ऑप्शन नंबर 2 ग्रेनाइट स्टोन, ऑप्शन नंबर 3 ब्रिक्स, ऑप्शन नंबर 3 रेड स्टोन्स। तो मालिनीतान टेम्पल को कौन सा स्टोन से बनाया गया है तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ग्रेनाइट स्टोन, ग्रेनाइट स्टोन। और ये जो 13-14 सेंचुरी AD में बनाया गया था चुतिया किंग द्वारा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 ग्रेनाइट स्टोन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द फर्स्ट पायलट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। तो ये ऑप्शन में से अरुणाचल प्रदेश का जो फर्स्ट पायलट कौन बना था, तो ऑप्शन नंबर ए कॉलोनल रिमो कारबाक, ऑप्शन नंबर बी पायलट कुरु हासांग, ऑप्शन नंबर सी ग्रुप कैप्टन महंतो पांगिंग, ऑप्शन नंबर डी एयर कमोडोर आर दी मुसावी। तो कौन था जो अरुणाचल प्रदेश से फर्स्ट पायलट बना था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुरु हासांग। ये था जो अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट पायलट, और ये जो लोअर सुबनसिरी जीरो से वो करता था, वहाँ से बिलोंग करता था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19, मामांग दाई इज नोन फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ। तो मामांग दाई बेसिकली कौन सा फील्ड में कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए स्पोर्ट्स, ऑप्शन नंबर बी पोइट्री, ऑप्शन नंबर सी फ्रीडम मूवमेंट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। तो इसमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पोइट्री, पोइट्री के लिए इसको जाना जाता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि मामांग दाई जो पोइट्री के साथ साथ ये जो नोवेल भी लिखता है, और इसको ये जो साहित्य एकेडमी अवार्ड रिसिपियन भी है, जो कि उसका नोवेल द ब्लैक किल उसके लिए दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20, दी स्टेट ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज। तो अरुणाचल प्रदेश का स्टेट ट्री कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए वाइट टिक, ऑप्शन नंबर बी आयरन वुड, ऑप्शन नंबर ही सी हॉलोंग, ऑप्शन नंबर डी सेक्रेट पिग। तो इसका आप आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा हॉलोंग, ऑप्शन नंबर सी हॉलोंग। और आपको ये भी मालूम होना है कि अरुणाचल का साथ साथ आसाम का भी हॉलोंग जो स्टेट ट्री है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ताशी यांगजम इज एसोसिएटेड विथ। तो ये कौन सा स्पोर्ट्स है एसोसिएट तो करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए रोइंग, सॉरी ऑप्शन नंबर ए रोइंग, ऑप्शन नंबर बी माउंटेनियरिंग, ऑप्शन नंबर सी कराते, ऑप्शन नंबर डी वेट लिफ्टिंग। तो आप गेस कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग ये ताशी यांगजम जो बेसिकली ये माउंटेनियरिंग फील्ड स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं। और आपको ये मालूम होगा ये यही साल में ये जो माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किए हैं, और ये जो बेसिकली वेस्ट कामेंग से पढ़ते हैं। तो ये तो ऑप्शन नंबर और क्वेश्चन नंबर 21। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, द स्टेट विच स्टेट हैज लार्जेस्ट ग्रेफाइट डिपॉजिट्स। तो कौन सा स्टेट है जहाँ पे आपको लार्जेस्ट ग्रेफाइट डिपॉजिट देखने को मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर ए है त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी है ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ग्रेफाइट डिपॉजिट देखने को मिलेगा डिपॉजिट्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का टोटल एरिया स्क्वायर किलोमीटर में कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 78,743 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 67,884 किलोमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर सी 83,743 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 85,743 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 83,743 किलोमीटर, 83,743 किलोमीटर, ये जो अरुणाचल का टोटल एरिया इन द किलोमीटर स्क्वायर में।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। द पोर्ट गरवाल राइफल्स पोस्ट एट नुरुनांग ड्यूरिंग द इंडो चाइना वार ऑफ 1962 इज नाउ नोन एज। तो ये जो पोर्ट गरवाल राइफल पोस्ट अभी कौन सा नाम से जाना जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बलवंतगढ़, ऑप्शन नंबर बी राम रहीमगढ़, ऑप्शन नंबर सी कुशवंतगढ़, ऑप्शन नंबर डी जसवंतगढ़। तो आप ट्राई कर लो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जसवंतगढ़, ऑप्शन नंबर डी जसवंतगढ़। और ये जो पड़ता है थावांग में, ये पड़ता है थावांग डिस्ट्रिक्ट में, आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये था ऑप्शन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, पाखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो पाखोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा? तो ऑप्शन नंबर ए ईस्ट कामेंग, ऑप्शन नंबर बी पाके खेसांग, ऑप्शन नंबर सी वेस्ट कामेंग, ऑप्शन नंबर डी पापुम पारे। तो आप गेस कर लो। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। आपको ये जो पाकुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ पोक मेडिसिन इज लोकेटेड इन। तो नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ पोक मेडिसिन कौन सा आपको डिस्ट्रिक्ट या टाउन में आपको देखने को मिलेगा, कहाँ में ये है? ऑप्शन नंबर ए पासीघाट, ऑप्शन नंबर बी ईटानगर, ऑप्शन नंबर सी थावांग, ऑप्शन नंबर डी बोमडिला। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पासीघाट। इसको आप पासीघाट में आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो एमसीक्यू वीडियो इतना तक ही था। तो ये पार्ट्स पार्ट था, तो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।